दोस्तों श्रीलंका को बुरी तरह से कुचलने के लिए टीम इंडिया में अचानक से हुए चौंकाने वाले बदलाव। सूर्य कुमार यादव सहित 3 शेर खिलाड़ियों को किया अचानक से बाहर। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पहले T20 मुकाबले को लेकर कौन कौन से अपडेट्स आए हैं, साथ ही में श्रीलंका को बुरी तरह से कुचलने के लिए टीम इंडिया में कौन कौन से चौंकाने वाले अचानक से बदलाव किए गए हैं, और क्या सूर्य कुमार यादव को सच में पहले T20 मुकाबले से बाहर कर दिया गया है। पूरी खबर विस्तार से आज हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो और सूर्य कुमार यादव के खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो दोस्तों अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच आज यानी कि 25 जुलाई को पहला T20 मुकाबला खेला जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज रात 8 बजे से इस मैच की शुरुआत होने वाली है। यह मैच कोलंबो के आर प्रेम दासा स्टेडियम में खेला जाने वाला है, और दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच खेली जाने वाली इस T20 सीरीज का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकेगा। वहीं मोबाइल पर इस मैच का लाइव प्रसारण सोनी लिव एप्लीकेशन के जरिए से देख सकते हो। दोस्तों अगर बात की जाए कोलंबो के आर प्रेम दासा स्टेडियम के पिच की, तो दोस्तों हाल ही में इस मैदान पर भारतीय टीम ने वनडे सीरीज खेली थी और इस पिच पर स्पिनर गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद मिलती है। श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में इस पिच पर काफी ज्यादा रन भी हमें देखने को मिले थे। ऐसे में हमें एक बार फिर से कोलंबो के आर प्रेम दासा स्टेडियम में रनों की बरसात होते हुए नजर आ सकती है। वहीं साल 2018 में दिदहास ट्रॉफी में भारतीय टीम ने इस मैदान पर 4 मैच खेले थे, जिसमें 3 मैचों में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में भारतीय टीम के इस मैदान पर आंकड़े तो शानदार रहे हैं। वहीं दोस्तों पिछले लगभग 2 सालों से भारतीय टीम लगातार 6 T20 सीरीज जीत चुकी है, जिसमें टीम इंडिया ने इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे दिग्गज टीमों को भी हराया है। भारतीय टीम लगातार T20 सीरीज जीतकर विजय रथ पर सवार हो रही है। वहीं दोस्तों अब श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले इस T20 सीरीज में टीम इंडिया जीत हासिल करके लगातार अपनी 7वीं T20 सीरीज जीतने का कारनामा कर सकती है। वहीं दोस्तों इस T20 सीरीज में भारतीय टीम में 7 ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि अब तक भारतीय टीम की तरफ से T20 क्रिकेट में डेब्यू नहीं कर सके हैं। ऐसे में इन खिलाड़ियों को श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले इस T20 सीरीज में डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। इन खिलाड़ियों में भारतीय टीम के 3 ओपनर बल्लेबाज भी मौजूद हैं। जी हां दोस्तों, शिखर धवन के साथ ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए पृथ्वी शॉ, ऋतुराज गायकवाड़ और देवदत्त पड़िकल के रूप में 3 विकल्प मौजूद हैं। जहां ऋतुराज गायकवाड़ और देवदत्त पड़िकल अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू नहीं कर सके हैं, तो वहीं पर पृथ्वी शॉ ने T20 क्रिकेट में अब तक डेब्यू नहीं किया है। ऐसे में पहले T20 मैच में इन खिलाड़ियों का डेब्यू हमें देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच पिछले कुछ T20 सीरीज के आंकड़े देखे जाए तो भारतीय टीम ने साल 2020 में श्रीलंका के खिलाफ आखिरी T20 सीरीज खेली थी। तब टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 3 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 से मात दी थी। वहीं दोस्तों इस सीरीज का एक मुकाबला बेनतीजा रहा था, और इससे पहले भारत और श्रीलंका के बीच T20 फॉर्मेट में आमना सामना साल 2018 में निदियास ट्रॉफी में हुआ था। और दोस्तों तब कोलंबो के इसी मैदान पर भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ पहला मैच हारा था, तो वहीं पर दूसरे मैच में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की थी। और निदियास ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने कोलंबो के इसी मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ फाइनल मुकाबला भी जीता था। वहीं दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच खेली जाने वाली यह T20 सीरीज T20 विश्व कप 2021 के नजरिए से काफी ज्यादा अहम हो सकती है, जहां टीम इंडिया शिखर धवन, हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को भी इस सीरीज में परीक्षा ली जा सकती है, और दोस्तों इनके प्रदर्शन के आधार पर ही इनका टीम में सिलेक्शन किया जा सकता है। इसके अलावा टीम इंडिया में मौजूद दिग्गज खिलाड़ी ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और मनीष पांडे भी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाकर T20 विश्व कप का टिकट पा सकते हैं। हालांकि सूर्य कुमार यादव को T20 विश्व कप में मौके मिलने की काफी ज्यादा संभावना है। इसके अलावा इस सीरीज में गेंदबाजी में राहुल चहर, दीपक चहर और युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ियों पर भी चयनकर्ताओं की नजरें होगी। वहीं दोस्तों कुछ अन्य युवा खिलाड़ी और डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों के प्रदर्शन को भी देखकर परखा जा सकता है। वहीं दोस्तों भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में जिस तरह से अनुभव की कमी की महसूस हुई थी, उसी तरह श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले इस T20 सीरीज में भी टीम इंडिया को अनुभव की कमी महसूस हो सकती है। जी हां दोस्तों, T20 सीरीज में विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी टीम में मौजूद नहीं है। ऐसे में टीम इंडिया की ओपनिंग बल्लेबाजी, मध्यक्रम बल्लेबाजी और साथ साथ में गेंदबाजी में भी कई सारे युवा खिलाड़ी मौजूद
मौजूद होंगे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में काफी ज्यादा कम अनुभव है जो कि टीम इंडिया को कमजोर बना सकती है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं पहले टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है और भारतीय टीम में किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, तो चलिए पूरे विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों यहां पर सबसे पहले ओपनिंग बल्लेबाजी की बात की जाए तो कप्तान शिखर धवन और पृथ्वी शॉ को ओपनर के रूप में चुना जा सकता है। यहां दोस्तों नंबर एक पर शिखर धवन का स्थान तो लगभग तय रहने वाला है जो कि लगातार शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में शिखर धवन बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखे थे। तो वहीं पर इसके साथ साथ पृथ्वी शॉ अपने विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रदर्शन एक बार फिर से दिखा सकते हैं और इसी के साथ पृथ्वी शॉ का भारत की तरफ से टी20 क्रिकेट में डेब्यू भी हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मध्यक्रम बल्लेबाजी की बात की जाए तो टीम इंडिया में नंबर तीन पर विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन मौजूद होंगे जिन्होंने इसी साल 2021 में वनडे और टी20 क्रिकेट में डेब्यू किया था और अपने डेब्यू मैच में ही शानदार अर्धशतक जड़ा था। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में भी ईशान किशन काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखे थे और दोस्तों इसके बाद नंबर चार पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को मौका मिल सकता है जो कि पूरी तरह से फिट हो चुके हैं। इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया था। ऐसे में आपके हिसाब से ईशान किशन और संजू सैमसन में से किसे विकेट कीपिंग के लिए चुना जाना चाहिए, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ नंबर पांच पर विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मौजूद होंगे जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में बेहतरीन बल्लेबाजी की और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी हासिल किया था। अब तक एक बार फिर से इनका टी20 क्रिकेट में हमें अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन दोस्तों अभी भी सूर्य कुमार यादव पहले टी20 मुकाबले में खेलेंगे या फिर नहीं इस बात का अभी तक मतलब कि क्लियरली पता नहीं चला है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि सूर्य कुमार यादव को इंग्लैंड के लिए रवाना भी किया जाना है। ऐसे में पता नहीं कब रवाना किया जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि पहले टी20 मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ नंबर 6 और नंबर 7 पर दो ऑलराउंडर खिलाड़ी खेलते हुए दिख सकते हैं जहां नंबर 6 पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को मौका मिल सकता है। हालांकि श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। उसके बाद दोस्तों आप सभी को बता दें कि हार्दिक पांड्या के पास टी20 सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाने का सुनहरा अवसर होगा। वहीं दोस्तों इसके बाद नंबर 7 पर कुणाल पांड्या मौजूद होंगे जिन्होंने वनडे सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था और दोस्तों अब टी20 सीरीज में भी कुणाल पांड्या धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ नंबर 8 और नंबर 9 पर दो स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती और युजवेंद्र चहल मौजूद होंगे जहां युजवेंद्र चहल ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में बेहतरीन गेंदबाजी की, वहीं वरुण चक्रवर्ती को टी20 सीरीज में डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों नंबर 10 और नंबर 11 पर दो तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और दीपक चहर मौजूद होंगे। हालांकि भुवनेश्वर कुमार वनडे सीरीज में काफी कुछ खराब प्रदर्शन कर चुके थे, लेकिन दीपक चहर ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी और बल्ले के साथ भी भरपूर योगदान दिया था। दोस्तों कुछ इस तरह से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 हो सकती है। दोस्तों इसमें आपको क्या लगता है, पहला टी20 मुकाबला क्या टीम इंडिया जीत पाएगी, उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।